मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पर चल रहे बुंदेलखंड के महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी बुंदेलखंड के महाकुंभ में दो बड़ी अन्नपूर्णा का आयोजन भी किया गया है जिसमें लाखों भक्त प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पर बनी पहली अन्नपूर्णा में लाखों की संख्या में लगातार भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही दूसरी अन्नपूर्णा में भक्तों को सेवा दे रहे सेवादारों के लिए प्रसाद के पैकेट बनाकर उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक बुंदेलखंड के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जिस आयोजन में अब लाखों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं और इन्हीं भक्तों को अलग अलग सेवाएं देने के लिए हजारों की संख्या में बागेश्वर धाम पर अलग अलग मंडल के सेवादार सेवाएं दे रहे हैं और इन्हीं सेवादारों के लिए दूसरी अन्नपूर्णा का आयोजन किया गया है जिसमें प्रसाद को पैकेटों में भरकर उन सेवादारों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार बागेश्वर धाम पर 150 से अधिक मंडलों के 3000 से 3500 सेवादार बागेश्वर धाम पर सेवा दे रहे हैं। ये पूरे 150 मंडल बागेश्वर धाम पर देश के अलग अलग कोनों के साथ ही विदेशों से भी आए हुए हैं जिनके लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अलग से प्रसाद की व्यवस्था की है। इस प्रसाद को बनाने में पैकिंग करने में बागेश्वर धाम के ही कुछ मंडल लगे हुए हैं जिसमें वितरण का काम अंकित मिश्रा, गोलू असाठी, आदित्य चौधरी, राकेश राय की टीम को सौंपा गया है। इनके माध्यम से सुबह पूरे पैकेटों को पैक करवाकर गाड़ी के माध्यमों से जहाँ जहाँ सेवादार सेवा दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम लगातार किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के विभिन्न स्थलों जैसे पार्किंग स्थल, मंदिर परिसर, यज्ञशाला, कथा पंडाल, उपहार सामग्री पंडाल, स्वास्थ्य अस्पताल पंडाल, पुलिस चौकी, खोया पाया केंद्र, कार्यालय सहित जहां जहां भी सेवादार सेवा दे रहे हैं वहां इन मंडलों के द्वारा लगातार प्रसाद को पैकेटों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है ताकि बागेश्वर धाम पर 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे सेवादारों का पेट खाली न रहे। इन पैकेटों में सब्जी, पूड़ी, हलवा, नमकीन, खिचड़ी, चावल, दाल इत्यादि खाद्य सामग्री भरकर उन सेवादारों तक अलग अलग जगह पहुंचाया जा रहा है। सेवादारों को खाने का पैकेट बांटने की जिम्मेदारी संभाल रहे अंकित मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक दिन लगभग 3000 से 4000 सेवादारों को प्रसाद भेजा जा रहा है। सुबह से प्रसाद वितरण का काम शुरू हो जाता है जो कि लगभग रात के 11 से 12 बजे तक चलता रहता है। अंकित मिश्रा द्वारा बताया गया कि सभी सेवादारों को पैकेट के माध्यम से दिन में 3 बार प्रसाद भेजा जाता है जो कि सबसे पहले सुबह 11 बजे से उनका प्रसाद बंटना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर शाम 4 बजे उन्हें प्रसाद दिया जाता है और इसके बाद शाम 7 बजे भी उनको प्रसाद बांटा जाता है। गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम के विशाल परिसर में गाड़ियों के माध्यम से पैकेट में भरकर यह प्रसाद अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है। श्री सीताराम जय बागेश्वर धाम की। मैं अंकित मिश्रा बागेश्वर धाम से मंडल से हूँ। यहाँ पर सेवा दे रहे हैं आप, किस प्रकार की सेवा दी जा रही है? हम सेवा दे रहे हैं शिष्य मंडल का अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है यहाँ पर हम लोगों की सेवा है और सेवा में हम लोग जो शिष्य मंडल हमारे यहाँ पे लगभग 3 से 4 हजार शिष्य मंडल कार्यकर्ता है जो सेवा दे रहे हैं उनको हम लोग प्रसाद खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें कुछ शिष्य मंडल ऐसा भी है जो यहाँ पर जो शिष्य मंडल का भंडारा लगाया गया है वहाँ पर पंडाल में आकर के प्रसाद पाता है और कुछ शिष्य मंडल ऐसा है जो पंडाल तक नहीं आ सकता है, जैसे कि जिनकी सेवाएं अलग अलग स्थान पर चयनित की गई हैं, पार्किंग व्यवस्था में है, कार्यालय पर बैठे हुए हैं, पंडाल व्यवस्था में है, सिक्योरिटी में है, मंदिर परिसर में है, मंदिर परिक्रमा मार्ग में है और अलग अलग जगह पर जो लोग लगे हुए हैं जो भंडारे तक नहीं पहुंच सकते हैं उनको हम लोग उनके स्थान तक जाकर के सुबह शाम भोजन प्रसादी वितरण करते हैं एक एक स्थान पर जाकर के। प्रसादी में क्या क्या अपन सेवादारों को खिला रहे हैं? जी पहले तो आपका परिचय। श्री सीताराम जय बागेश्वर धाम की। मैं अंकित मिश्रा बागेश्वर धाम से मंडल से हूँ। यहाँ पर सेवा दे रहे हैं आप, किस प्रकार की सेवा दी जा रही है? हम सेवा दे रहे हैं शिष्य मंडल का अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है यहाँ पर हम लोगों की सेवा है और सेवा में हम लोग जो शिष्य मंडल हमारे यहाँ पे लगभग 3 से 4 हजार शिष्य मंडल कार्यकर्ता है जो सेवा दे रहे हैं उनको हम लोग प्रसाद खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें कुछ शिष्य मंडल ऐसा भी है जो यहाँ पर जो शिष्य मंडल का भंडारा लगाया गया है वहाँ पर पंडाल में आकर के प्रसाद पाता है और कुछ शिष्य मंडल जो है प्रसाद ही पा रहा है और लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 25 ऐसे स्थान है, पॉइंट है जहाँ पर हम लोग को जा जाकर
एक एक स्थान पर जाकर के प्रसादी गाड़ियों के माध्यम से, दो तीन गाड़ियां हैं उनके माध्यम से हम लोग जाकर के प्रसादी वितरण करते हैं। क्या कहेंगे, कुंभ का आयोजन हो रहा है, लगभग अंतिम दिन चल, अंतिम दिन है कल की कथा के बाद। कुंभ का आयोजन के बारे में कहने से अच्छा रहेगा कि एक बार जो भी ये वीडियो देखें या सुन पा रहे हैं वो एक बार आकर के देखें, वो स्वयं अनुभव करें, उसका तो एक अनुभव ही अलग है, शब्दों में उसको बखान कर पाना मुश्किल है। श्री सीताराम।